हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। तो बहुत से लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी के सतह के अंदर फैट जमा होता है, ये सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी के ऊपर भी फैट जमा होता है जिसको आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, मेरा आज का टॉपिक इसी तरह है। और पेट पर जमी चर्बी को अगर आप 2 इंच अंदर से कम कर सकते हैं तो 2 इंच बाहर से भी कम कर सकते हैं। यानी आपकी हेल्प से अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, जो रेमेडी मैं आपको आज बताऊंगी उसको आप इंस्टेंट लगाएंगे और देखेंगे कि 2 इंच तक पेट आपका कम हुआ है। तो ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर भी चर्बी जमा होती है, जिसे एक रेमेडी के थ्रू, एक आयुर्वेदिक रेमेडी के थ्रू आप इंस्टेंट निकाल सकते हैं। वो बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकता है, आपका हिप एरिया हो सकता है, आपका टमी एरिया हो सकता है, आपके हाथ हो सकते हैं, आपका मतलब कोई भी पार्ट हो बॉडी का, वहाँ से आप इंस्टेंट उस वेट को निकाल सकते हैं। तो कौन सी रेमेडी है वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगी और दिखाऊंगी कि उसे कैसे यूज़ करना है विद डेमो। लेकिन उससे पहले फटाफट से मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे दे दिया है, वहाँ से जाइए और सब्सक्राइब करिए। उस न्यू चैनल में ब्यूटी से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड एंड बहुत सारे DIY एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स लेके आती हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक प्लास्टिक या कांच की कटोरी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको स्टोर करनी है। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, और जैसे मैं पहले बोल चुकी हूँ कि हर चीज़ आपके घर पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप 2 टेबल स्पून नमक लेंगे। इसके बाद या तो आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल है तो ऑलिव ऑयल लीजिए, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अच्छे से मिक्स करना है। इतना आपको ऑयल लेना है कि उसमें जो है नमक बिल्कुल ऑयली भी नहीं करना है, जितना नमक सोख ले उतना आपको ऑयल लेना है। तो हाँ, इस तरह का पेस्ट आपको रेडी करना है, मतलब मैं बोल रही हूँ ऑयली नहीं होना चाहिए। उसके बाद इस पेस्ट को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, अपने बाथरूम में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली आप इसे बाथरूम में ही यूज़ करेंगे या नाइट में। इसके बाद इस तरह से आपको अपने पेट एरिया पे, नाभि के आसपास एरिया में इसको रब करना है 10 मिनट तक, और बहुत ही हल्के हाथों से, क्योंकि नमक में बहुत ही ज़्यादा हार्शनेस होती है जो बहुत ज़्यादा स्किन को ड्राई कर देगी। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पेट मतलब डिलीवरी सीजेरियन से हुई है तो उसके आसपास ये चीज़ मत करिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ नमक में बहुत ज़्यादा हार्शनेस होती है। तो इस तरह से रब करते हुए आपको इसे 10 मिनट तक रब करना है पूरे पेट पे। और आप यकीन मानेंगे, जितनी भी ऊपर आपकी डेड स्किन्स जमी हुई हैं, पेट आपका जो है मैं बोलूँ सांस नहीं ले पा रहा है, और जितनी भी चर्बी ऊपर जमा हुई है पूरी तरह से निकल जाएगी। ट्राई ज़रूर करिए और देखिएगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किन हो जाएगी, साथ ही साथ आपका पेट भी बहुत ही जल्दी श्रिंक होने लगेगा। इस आयुर्वेदिक थेरेपी से आप अपने ऊपर जो फैट के रूप में जमा हो गया है 2 इंच तक, उसे तुरंत मेल्ट कर सकते हैं। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए